कुर्सी का लालच बहुत बुरा होता है। पूरा खेला हो गया कि वो सब चोरवा विधायक सब है, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, फिर आरजेडी में आएंगे। महागठबंधन का तभी बहुत बुरा हाल है। जोड़ का झटका है जोरों से लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। महागठबंधन हो एनडीए हो, अब जो है काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। मैंने कुछ दिन पहले अपने सोसाइटी चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है, क्योंकि अब जब देखा जाता है तो सत्ता सामने आ रही है। महागठबंधन से तीन विधायक, दो कांग्रेस के और एक राष्ट्रीय जनता दल से विधायक जो हैं वो भाजपा को दामन थाम लिए हैं। कांग्रेस से जाने वाले विधायक का नाम है त्रिपुरारी गौतम, कांग्रेस के सिद्धार्थ, और राष्ट्रीय जनता दल से संगीता कुमारी भाजपा का दामन थाम लिए हैं। ये जब देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। वैसे देश भर में देखिएगा तो बड़े बड़े नेता लोग किसी न किसी रूप से यात्रा पर निकले हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चूँकि बिहार का मामला है, बिहार का मसला है, तो तेजस्वी यादव भी बिहार के कोने कोने जिलों में, कोने कोने गांव में जा रहे हैं जन विश्वास यात्रा में। इधर जन विश्वास यात्रा और इधर आरजेडी कांग्रेस का विधायकों का टूट, कह सकते हैं कि भाजपा और जदयू एनडीए वाले जो हैं खेला होवे के कहावत शुरू कर दिए हैं। इधर यात्रा पर तेजस्वी यादव गए और इधर विधायक का टूटने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम इस पब्लिक में आए हैं, पब्लिक पैलेस में, और तमाम लोगों से जानकारी लेंगे इनकी क्या मत है, क्या राय है। महागठबंधन धीरे धीरे कमजोर हो रही है, क्यों? इसमें कोई शक है आपको? क्योंकि गठबंधन ही बना है अपने को बचाने के लिए। कारण बचाना क्या? भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है उससे बचने के लिए। शासन में अगर रहेंगे तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लग रहा है कि भाजपा खेला खेल रही है? नहीं, भाजपा को क्यों खेला खेलना है? भाजपा तो अपना काम कर रही है, विकास, भाजपा तो विकास का काम कर रही है ना। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए विधायक टूट टूट के जा रहे हैं एनडीए में, भाजपा में, वो तो होना ही है। जिनको अपना सत्ता का लालच है वो टूट के जाएंगे ही। जिनको पता है कि मेरा पेड़ गिरने वाला है तो बचने के लिए कहीं बांस और डंडा ढूंढने गई। कुर्सी का लालच बहुत बुरा होता है। तीन विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, आरजेडी का वर्चस्व कमजोर होते जा रहा है, इसी लेके लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुशासन के लेकर। नहीं तो तेजस्वी यादव तो युवा नेता है, युवा नेता है, वो क्या करेंगे? भीड़ तो है उनके साथ में, भीड़ जन समूह है, लेकिन वोट का जन समूह नहीं है। भाजपा खेला कर रही है, पूरा खेला हो गया कि अभी भी खेला हो ही रहा है? हाँ, होने आगे होगा भी। नहीं जी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी के आज मुजफ्फरपुर में रैली हुआ है, से देखबे किए हैं, फिर 3 तारीख के देखना है। तो विधायक जो टूट के जा रहा है, जो भाजपा, वो सब चोरवा विधायक सब है। विश्वास है कि तेजस्वी यादव? जरूर, बगैर विश्वास के 3 तारीख के अपने विश्वास है न है से तो जनता बतावेगा, समय आला पर ना। क्या कहे? क्या ये 3 तारीख को जो रैली नहीं, हाँ, विधायक टूट के जा रहा है भाजपा एनडीए में, वो डर से जा रहा है। वो क्या है? हाँ, क्या किसका डर? इसलिए कि जो भी जा रहा है केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, ईडी हो रहा है, ये हो रहा है। तो कमजोर होते जा रहा है। कैसे कमजोर हो रहा है? अभी उसका मुजफ्फरपुर में रैली ने नहीं देखा, और तो 3 तारीख को जो होगा वो रैली होगा गांधी मैदान में। विधायक टूट के जाए तो कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भीड़ देख रहे कितना जा रहा है। अभी हाल फरार में अभी आए? पेपर में कल वाला में मांझी जी थी, सहनी जी लिखा है हम गठबंधन में आ रहे हैं, फिर समय आएगा तो सब देखा जाएगा, जो टूटना है फूटना है जितना हो। तो अभी तो रैला रैली चल ही रहा है, के प्रति विश्वास है, एकदम विश्वास रहेगा, सब दिन विश्वास है, आज भी विश्वास है। चाचा फिर आएंगे, चाचा लौट के। कौन चाचा? नीतीश चाचा। हाँ, फिर आएंगे, आएंगे जब, बिल्कुल आना है चाचा को। नहीं, टूट रही है तो टूटने दीजिए, जो लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो तेजस्वी साथ है और रहेंगे हमेशा, इसलिए वो काम करते हैं भाई, हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे। जो जाने वाले जा रहे हैं, भाग रहे हैं अपना। तीन विधायक फिर टूट गए,
कल गए हैं 3 विधायक तो डर के मारे भाग रहे हैं, देख रहे कहीं ना कुछ मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाए, इंडिया वाले कुछ कर दें, इसीलिए वो अपना टूट के भाग रहे हैं। फिर तो आना होगा तो आ ही जाएंगे वो हम लोग के साथ, तेजस्वी यादव के साथ लग रहा है कि हाँ 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 अबर आएंगे, एकदम बढ़िया आएंगे, जीतेंगे, हम लोग साथ हैं उनके, समझ लीजिए। हाँ टूट रहा है तो विधायकों की संख्या तो कम हो जाएगा, कम होने दीजिए ना, वो जब समझ में आ जाएगा ना तो फिर आ जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ, हाँ फिर इसमें आएंगे, समझ लीजिए, टूटने दीजिए, वो जिनको जा रहे हैं फिर तो इसमें आ ही जाएंगे, कभी ना कभी तो आना ही है, तेजस्वी यादव आएंगे हम लोग, उम्मीद लग रहा है, दम उम्मीद लग रहा है, जो भाग रहे हैं भाग रहे, भागने दीजिए, लालू यादव के प्रति है, हाँ दम है, हम तेजस्वी यादव के दम प्रतीक हम है, समझ लीजिए, दम जी हाँ, हम लोग साथ हैं, हम लोग जो भी हम लोग हैं तेजस्वी यादव के साथ हैं। दीदी तो टूट रही है? नहीं टूट नहीं रही है, फिर बनेगी, बहुत जोर तोर से बनेगी, फिर भाजपा में चला गया, फिर आएगी आरजेडी में, कैसे पोजीशन देगी आरजेडी का, पोजीशन तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नहीं खत्म नहीं हो रही है, फिर से संगठन बन रही है आरजेडी की, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं, लग रहा है कि फिर आएगा, हाँ फिर आएगा, फुल बहुमत से आएगा, तो पूरा विश्वास है ना, पूरा 100 में 100, विधायक टूट रहा है उसमें क्या कहिएगा, क्या विधायक टूट के जा रहा है भाजपा में, फिर आएगा आरजेडी में, और ये तो दल बदल का तो काम ही लगा भाई नेता लोग का, क्या कभी आरजेडी कभी बीजेपी, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, फिर आरजेडी में आएंगे, फिर संगठन करने के लिए नीतीश कुमार तरफ आएंगे, फिर फुल बहुमत से अपनी सरकार बनेगी। ये बात तो सत्य है, हमारे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पूर्व ने कहे थे कि खेला हो गए, लेकिन खेला उन्हीं के पार्टी में स्टार्ट हो गया है और ये खेला लोकसभा के चुनाव तक चलेगा। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री जो भी जनसभा कर रहे हैं उसमें स्पष्ट शब्द में कर रहे हैं कि हम 17 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि किसी भी स्टेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के इशारे के बिना कोई भी वैकेंसी या कोई भी विकास का काम नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो बार बार कहते हैं हमारी बिहार की जनता या युवा बुर्बक नहीं है, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही वैकेंसी हुई है, निकली है और बहाली हुई है। ये भी सत्य है कि उस समय शिक्षा मंत्री बेजाबते अपने पद से निकले हुए थे, उसी समय ये बहाली हुई है। इसलिए खेला होवे वो चिल्लाते रह गए, लेकिन खेला एनडीए वाले ने कर दिखलाया, जो कि साफ शब्दों में देखा जा रहा है। और ये खेला ये सिर्फ बिहार में नहीं, अभी राज्यसभा के चुनाव में भी देखने को मिला, जो भी सीना तान के कह रहे थे कि खेला हो गया एनडीए के द्वारा। कांग्रेस भी टूट गई है? बिल्कुल कांग्रेस टूट गई है, और महागठबंधन का तभी बहुत बुरा हाल है, लोग देख ही रहे हैं कि कैसे 6 विधायक उनके जो है बीजेपी में चल गए हैं, और आने वाला समय ही बताएगा। मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन का जो सरकार है वो 1 भी सीट ला पाएगी संसद, लग रहा है बिल्कुल फिर से खेला हो गए। ना खेला तो हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, भाजपा और नीतीश कुमार मिलकर बढ़िया से राज चलाना यही तो चाहते हैं हम लोग। विधायक तो 3 विधायक तो फिर आ गए, 2 कांग्रेस के, 1 आरजेडी का, भाजपा में शामिल हो गए, तो शामिल होना ही पड़ेगा उन लोग को ना। तेजस्वी मालूम तो खाली खेला खेल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लेकिन रैली से क्या सफलता मिलेगी हमको तो कुछ नहीं लगता। तो महागठबंधन जो टीम जो है वो तो कमजोर होते जा रहे हैं, कमजोर होना ही है, वो तो खाली दिखलावटी था, नीतीश कुमार हट गया, सबको हटते जाएंगे धीरे धीरे। हाँ तो कमजोर हो नहीं है, हाँ जो राम मंदिर का विरोध करेगा तो क्या होगा, हम कमजोर होगा, हाँ काफी लाखों की संख्या में भीड़ भी है, भीड़ रहने से क्या हो जाएगा, हाँ यार भीड़ तो मतलब कि हर चीज में जुट जाता है, मैं तो थोड़ी जीत जाइए विधायक जो टूट कर गया है तो, हाँ तो रहा है विधायक टूट कर गया है एनडीए में भाजपा में, हाँ आरजेडी से भी टूट गया है, हाँ तो कांग्रेस से टूट गया है तो राम मंदिर का विरोध कीजिए तो क्या होगा, हाँ वो भी लोग तो हिंदू हैं। जनता जनार्दन, तमाम तरह के जनता जनार्दन है, किसी ने बताया कि खेला होवे तो किसी ने बताया कि अभी भी तेजस्वी यादव का जिस तरह का जनविश्वास यात्रा पर लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है, तो अभी भी लालू यादव के और तेजस्वी यादव के बीच आस्था है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल आरजेडी हो या कांग्रेस हो, यू कह सकते हैं महागठबंधन
टूट के कगार पर चली गई है, ये तो टूट के कगार पर चली जा रही है, वो तो बात की बात है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव का क्या खेला होबे, इसका फैसला जनता जनार्दन ही देंगे। SSI TV आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, जय हिंद।